फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 19, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नीतिवचन अध्याय 10 वचन 22, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। संत मत्ती अध्याय 6 वचन 25, मैं तुम लोगों से कहता हूँ चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। प्रिय स्वर्गीय पिता, इस कठिन समय में मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। मेरी आर्थिक समस्याओं ने मुझे निराश और बोझिल बना दिया है। बिल चुकाने, जरूरत का सामान लाने और अपने परिवार की देखभाल करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। इस बोझ को कम करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे पता है कि आप अपने बच्चों की परवाह करते हैं। आपकी कृपा और दया असीम है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने कभी अपने वित्त का बुद्धिमानी से प्रबंधन नहीं किया या धन के लालच में पड़ गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मार्गदर्शन दें। मुझे बुद्धिमानी से धन का प्रबंधन करने और अपने खर्चों को कम करने में मदद करें। अगर यह आपकी इच्छा है तो मुझे एक नौकरी खोजने में मदद करें जो मेरी जरूरतों को पूरा करे या मुझे अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करे। हालांकि मैं समझता हूँ कि धन ही सब कुछ नहीं है, मैं आपसे आध्यात्मिक समृद्धि और संतोष की भी प्रार्थना करता हूँ। मुझे यह स्वीकार करने में मदद करें कि मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं आभारी रहूं और भौतिक चीजों पर निर्भर न रहूं। प्रभु यीशु, आपने कहा था, इसलिए तुम पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने राज्य और आपकी धार्मिकता को सबसे पहले रखने में मदद करें। मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा तो आप मेरी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। हे परमपिता, हमारी वित्तीय स्थिति को सुधारें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं और आपकी कृपा से ही हमारी जिंदगी चलती है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके निरंतर प्रेम और समर्थन के लिए। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आपके पवित्र नाम में हम यह सब प्रार्थना करते हैं, आमीन।